साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा बरन ना सको तू ठाकुर ऊच भगवाना ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उधरे सुनते उधरे बिन सहे पाप कनेरे पशु परेत मुगद को तारे पाहन पारी उतारे नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारे आनंद गुणी निदान आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवार गुरु गरीब निवार बिलावल महला पंजवा तन तन गुरु अर्जुन देव जी महाराज तन तन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे तीरों देख तुम्हारे रंगा तीरों देख तुम्हारे तू ही स्वामी
बस है साध के संगा तीरों देख तुम्हारे रंगा तीरों देख तुम्हारे रंगा खिन में है थाप निवाजे ठाकुर खिन में खिन में है थाप निवाजे ठाकुर निवाजे ठाकुर निवाजे ठाकुर खिन में थाप निवाजे ठाकुर नीच कीट ते करहे राजंगा नीच कीट ते करने राजंगा तू ही स्वामी अंतर जामी तू ही स्वामी अंतर जामी तू ही बस है साथ के संगा तीरों देख तुम्हारे रंगा तीरों देख तुम्हारे रंगा कब हूँ ना बिसरे हिये मोरे ते कब हूँ ना कब हूँ ना बिसरे हिये मोरे ते कब हूँ ना बिसरे कब हूँ ना बिसरे कब हूँ ना बिसरे मोरे ते कब हूँ ना बिसरे मोरे ते नानक दास ही दान मंगा नानक दास यही दान मंगा तीरों देख तुम्हारे रंगा तीरों देख तुम्हारे रंगा तू ही स्वामी अंतर जामी तू ही स्वामी अंतर साध के संगा तीरों देख तुम्हारे रंगा तीरों देख तुम्हारे रंगा वाहे गुरु जी
मेरा सतगुर रखवाला हुआ, 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 मेरा सतगुर रखवाला हुआ। तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरोवा, हर गोविंद नवा निरोवा, मेरा सतगुर रखवाला होवा, मेरा सतगुर रखवाला होवा, मेरा सतगुर रखवाला होवा, मेरा सतगुर रखवाला होवा। आप गया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, आप गया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर के बल जाई, साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर के बल जाई, तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, गोविंद नवा निरोवा, हर गोविंद नवा निरोवा, मेरा सतगुर रखवाला हुआ, मेरा सतगुर रखवाला हुआ, मेरा सतगुर रखवाला हो, मेरा सतगुर रखवाला हुआ। तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरोवा, मेरा सतगुर रखवाला हुआ, मेरा सतगुर रखवाला हुआ, मेरा सत रखवाला हुआ। हलत पलत प्रभ दो सवार हमरा, गुण अब गुण ना विचारिया, हलत पलत प्रभ दो सवारे हमरा, गुण अब गुण ना विचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक तारिया, अटल बचन नानक गुर
तेरा सफल कर मस्तक तारिया तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवान रोआ मेरा सतगुर रखवाला हो मेरा सतगुर रखवाला हो मेरा सतगुर रखवाला हो मेरा सतगुर रखवाला हो तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया 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 हर गोविंद नवा निरोआ हर गोविंद नवा निरोआ मेरा सतगुर रखवाला होआ मेरा सतगुर रखवाला होआ मेरा सतगुर रखवाला होआ मेरा सतगुर रखवाला होआ मेरा सतगुर रखवाला मेरा सतगुर रखवाला होवा वाहिगुरु जी वाहिगुरु दीन दुनी दा पातशाह 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 अडोला दीन दुनी दा पातशाह पातशाह अडोला दीन दुनी दा पातशाह पातशाह अडोला दीन दुनी दा पातशाह पातशाह अडोला दस्तगीर होए पंज पीर दस्तगीर होए पंज पीर हर गुरु हर गोविंद अतोला हर गुरु हर गोविंद अतोला दीन दुनी दा पातशाह 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 अडोला दीन दुनी दा पातशाह दस्तगीर होए पंज पीर दस्तगीर होए पंज पीर हर गुरु हर गोविंद अतोला हर गुरु हर गोविंद अतोला दीन दुनी दा पातशाह 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 अडोला दीन दुनी दा पातशाह पातशाह अडोला
पंज प्याले अजर जर होए मस्तान सुजान विचोला पंज प्याले अजर जर होए मस्तान सुजान विचोला तुरिया चढ़ जिन परम तत् शेवर तारे को लो कोला शेवर तारे कोलो कोला शेवर तारे कोलो कोला दीन दुनींदा पातशाह 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 अडोला दीन दुनींदा पातशाह 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 अडोला दर्शन से पीढ़िया एक दर्शन अंदर गोला से दर्शन से पीढ़िया एक दर्शन अंदर गोला जति सती संतोखिया सिद्धनाथ अवतार विरोला सिद्धनाथ अवतार विरोला सिद्धनाथ अवतार विरोला दीन दुनींदा पातशाह 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 अडोला दीन दुनींदा पातशाह 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 अडोला ग्यारह रुद्र समुद्र विच मर जीवे तिस रतन अमोला ग्यारह रुद्र समुद्र विच मर जीवे तिस अंदर मर जीवे तिस रतन रोला बारह सोला मेल कर वी इक्की चढ़ाओ हिंडोला अंतर जामी बाला पोला अंतर जामी बाला पोला दीन दुनींदा पातशाह 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 अडोला दीन दुनींदा पातशाह दस्तगीर होए पंज पीर दस्तगीर होए पंज पीर दस्तगीर होए पंज पीर दस्तगीर होए पंज पीर हर गुर हर गोविंद अतोला हर गुर हर गोविंद अतोला दीन दुनींदा पातशाह 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 अडोला दीन दुनींदा पातशाह 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 अडोला पातशाह पातशाह अडोला पातशाह पातशाह अडोला परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी हुई साध संगत जी आप जी बहुत ही वडभागे हो सतगुरु जी की कृपा दे नाल
श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अते छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान ते जिस अस्थान नूं सतगुरु जी ने अपने चरणां दे नाल छूह दे करके अपने पावन पवित्र चरण इस अस्थान ते पाए सन, किथे अमृतसर दी धरती, किथे ये पावन धरती जिथे सतगुरु जी ने आप संगतां नूं खुशियां देण वास्ते इत्थे पहुंचना सी। सच्चे पातशाह जी की बड़ी मेहरामत है, छेवें पातशाह जी तकरीबन 40 साल 39 साल गुरता गद्दी ते रहे ते महाराज जी ने बड़ियां बख्शिशां कीतियां। जिथे भी उन्होंने कोई याद करता सी महाराज उत्थे पहुंच के उन्हूं कृतार्थ करते सन। आप जी ने शब्द सरवण किया है ना, दस्तगीर होए पंज पीर, हर गुर हर गोबिंद अतोला। दस्तगीर दा अर्थ हुंदा बांह पकड़न वाला, दस्त दा भाव हथ, हथ पकड़न वाला। पंज पीर कौन हन? पहलियां पातशाहियां धन गुरु नानक देव महाराज, धन गुरु अंगद देव महाराज, धन गुरु अमरदास महाराज, धन गुरु रामदास महाराज जी, धन गुरु अर्जन देव महाराज। भाई गुरदास जी कहते हैं पंज पीर जिहड़े मनुखता का हाथ पकड़न वाले सन। गुरु साहब जिथे भी किते गरीब नूं गुरबे नूं रोड़ पैंदी सी उत्थे जाके उहदी मदद करदे सन। उन्हूं कलयुग के भयानक समय तो बचन वास्ते नामदान दिंदे सन। पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ऐसे सतगुरु जी होए जिन्हां दे विच पंज गुण सन, उस तो बाद छेवां गुण भी एक है। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुरपारी। भाई गुरदास जी ने बड़ी सिफत की सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की। हालांकि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी भाई गुरदास जी दे दोतरे लगते हैं, माता भानी जी ते गुरु रामदास महाराज। सच्चे पातशाह जी जदों गोइंदवाल साहब की धरती ते रहिंदे हन, भाई गुरदास जी गुरु अर्जन देव महाराज दे मामा जी, अगों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी इन्हां दे नाना जी लगे। बड़ा प्यार सी, पर सतगुरु जी नूं अकाल पुरख दा रूप मानदे सन। बड़ी सिफत कीती गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दी भाई गुरदास जी ने। दीन दुनी दा पातशाह, पातशाहां पातशाह अडोला। दीन दुनी दा पातशाह, गरीबां दी दुनिया दा। दीन दा अर्थ है गरीब, अमीरां दा नहीं। जिथे भी किते पढ़ोगे आप जी गरीब नवाज पढ़ोगे, अमीर नवाज नहीं। इहदा मतलब यह नहीं जिहड़ा पैसे वाला उहनूं प्यार नहीं सतगुरु जी करदे, प्यार सभनां नूं करदे हन। पर जिहदे अंदर अंदर दी गरीबी है ना, निम्रता है, अंदर दी भावना है, प्रेमा भगती है, उहदे नवाजन वाले हन गरीब नवाज। दीन दुनी दा पातशाह, पातशाह पातशाह अडोला। जिन्हां नूं उस वेले दे राजे भावें अकबर होया भावें जहांगीर होया, जिहड़े वड्डे वड्डे लोकां दे मित्र सन, पर सतगुरु जी गरीबां दे मित्र बने, गरीबां नूं नवाजन वाले। श्रीनगर की धरती, कश्मीर की धरती ते महाराज ने किन्ना किन्ना नूं तारिया। धन है वह माता भाग परी जिहदा पुत्र साधु बड़े प्रेमी हन। भाई साधा प्रचार वास्ते इलाके विच विचरदा है ते माता दे अंदर कैसा प्रेम है, ते अपने हथीं खद्दर बुण करके कपड़ा बुण करके महाराज वास्ते चोला तैयार किया। खिच कैसी पई है, सतगुरु जी अगे अरदासा बेनती करदे कि महाराज मेरे को उत्थे नहीं आया जाना, अमृतसर नहीं आया जाना, मैं बजुर्ग हो गई हाँ, तो तुसी कृपा करके मैनू दर्शन दिओ। इन्हां अखां दे नाल विराग कर करके मेरियां अखां की जोत भी मध्यम पै गई है। हुण रो रो के तुहाडे प्रेम दे विच अखां की दृष्टि भी घट गई है, रोशनी घट गई है, तो मेरा शरीर कमजोर हो गया। वो जिहड़ियां प्यार दीआं तंदां दे नाल गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं उसने खिच लिया, अमृतसर की धरती तो कश्मीर की धरती ते महाराज पहुंचे। ते माता भाग परी नूं
दर्शन दे करके कृतार्थ किया ते उहदा बनाया होया चोला पहनिया। देखो किड्डी वड्डी बख्शिश है महाराज की। इस स्थान ते भी पहुंचे राजा उस वेल दा जिहड़ा जहांगीर सी, महाराज जी की मित्रता बन गई उदों, क्योंकि महाराज वैर विरोध किसी दे नाल लगदे। महाराज जी दे नाल पहला जहांगीर ने बड़ा अंदरों अंदर वैर कमाया, महाराज जी नूं गिरफ्तार भी किया, ग्वालियर दे किले विच रखिया गया महाराज जी नूं, पर फिर बाद विच झुक गया। कहिंदे इह पूरन अल्लाह दा पीर है, वह अल्लाह का रूप है, भाई मेरे तो गलती हुई है कि इहनूं मैं कैद विच रखिया। फिर उसने माफ़ी मंगी कि मेरे राज दे विच तुहाडे पिता नूं कतल किया गया, शहीद किया गया। फिर सतगुरु जी का वह बड़ा प्यारा मित्र बन गया। पर सतगुरु जी ऐसे पातशाह सन जिन्हां दी बराबरी बड़े बड़े बादशाह नहीं कर सकते सन। एक जगह महाराज का तंबू लगा है, महाराज का डेरा लगा है, दूजे पासे जहांगीर का तंबू लगा है, उहदा भी छावनी बनी है, उहदी फौजी खड़े उहदे। सचे पातशाह जी दे कोल दर्शन करन वास्ते एक घाही आया है। घाही ने जो अपने घा वेच के पैसे कमाए सन, दो टके कमाए सन, बड़े प्यार दे नाल महाराज जी दे कोल भेटा करन वास्ते लैके आए, ते साफ साफ घा, सुंदर सुंदर हरा हरा घा दी एक पंड बन्नी है, ते सिंघां नूं पुछदा कि भाई छेवें पातशाह जी दा स्थान किधर है। कदे सिपाहियां नूं पुछदा, जहांगीर दे फौजियां नूं पुछदा कि पातशाह दे पातशाह दा जिहड़ा आसन है वह डेरा किधर है। वह सिपाही कहिंदा साडा तां पातशाह इक्को ही है, वह सामने लगा है, जाया उहदे कोल, ते इह सिख उधर चला गया जहांगीर दे छावनी वल। जा करके जदों जहांगीर नूं अगे सलाम कीती, टका रखिया, घा दी पंड रखी, कहन लगे हे पातशाह कृपा करके मैनू दो जहान तों मुक्त कर दिओ, मैनू परलोक दे विच थां मिल जावे, मैनू जीवन मुक्त मिल जावे, इस करके मैं तुहाडे दर्शन करन वास्ते आया। जहांगीर कहन लगा भाई ये जिहड़ी चीज़ां तू मंगदा है हुंदियां की हन, मैनू नहीं पता की हुंदा है, तैनूं जो कुछ चाहिए बड़े प्यार दे नाल तूं सानूं सजदा कीता है, अपनी मेहनत का टका रखिया है, घा दी पंड लैके आया घोड़ियां वास्ते, तैनूं इनाम दिता जाएगा, तेरी गरीबी दूर कर दिती जाएगी। वह कह लगा नहीं, मैनूं ये चीज़ां नहीं चाहीदियां पातशाह, मैनूं तां दो जहान की खुशी चाहिए है, मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए है, तो मैनूं तुहाडा नाम चाहिए। कहिंदे किहड़ी चीज़ां मंगदा पिया, किसी ने दस्सिया जी ये तां कोई गुरु का सिख लगता है जड़ियाँ चीज़ा मंगता पाया। वो कह लगे मित्रा तेरी जगह ये नहीं है, तेरी जगह वो सामने जी छावनी लगी है उधर जा, तू तू गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मिलना चाहना है। कहिंदा हाँ जी मैं उन्होंने मिलना चाहना। उसने घा दी पंड चक्की ते जहांगीर के अगों टका भी चुक लिया। जहांगीर कह लगा मित्रा घा दी पंड ले जानी लै जा, पर टका क्यों चुकता पाया, मेरी बेजती हुंदी है, मेरी नरादरी है, मेरे अगे पैसा रखिया फिर चुक लिया, मेरी नरादरी है मेरे सिपाहियां अगे। कहन लगा नहीं, ये मेहनत का पैसा मैं तो अपने गुरु नूं भेट करांगा, तेरे वर्गे बादशाह नूं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं बादशाह नूं नहीं मानदा, मैं सच्चे पातशाह नूं मानदा, सच्चा पातशाह मेरा उही है। ये मेहनत का कमाया होया रुपया टका जो भी है, इस नूं मैं अपने पातशाह नूं भेट करांगा, वह इस नूं प्रवान करके मैनू दो जहान की खुशी देवेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जहांगीर निम्मझूणा हो गया, शर्मिंदा होया, ते ओ सिख महाराज जी दे आसन ते पहुंच करके जिथे महाराज बैठे सन, टका रखिया, घा दी पंड रखी, ते महाराज दे चरणा विच प्यार दे नाल रो रो के चरण धो दिते। महाराज तुहाडी बराबरी करन वाले बथेरे हन, तुहाडे वर्गे बनन वाले बथेरे हन, पर जिहड़ी खुशी तुसी दिंदे हो दुनिया का कोई भी बादशाह नहीं दे सकता। तुसी दो जहान की खुशी दे दिंदे हो, ये बादशाह इस लोक की खुशी दे सकदे, पर लोक विच सहायता नहीं करदे। बाबा कबीर जी कहिंदे हन को हर समान नहीं राजा, उस मालिक तो बिना कोई भी राजा नहीं, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करते दिवाजा। जितने दुनिया के झूठे राजे दो चार
वादे करके तुहानू सानू सबना नू भुलेखे विच पा करके साडे सिर ते बैठ के राज करदे हन। पर महाराज कहिंदे ओ राजियां दा राजा महाराजा जिहड़ा पातशाह है ना उस दी चरणी लगी है ते सानू भी बादशाह बना दिंदा है, सानू भी राजा बना देवेगा, सानू भी दो जहान दी खुशियां दे देवेगा। आओ अगला शब्द श्रवण करिए ते साहिब जी दी खुशियां प्राप्त करिए। दल पंजन गुर सूरमा, दल पंजन गुर सूरमा, दल पंजन गुर सूरमा, दल पंजन गुर सूरमा, बड़ जोदा उपकारी, बट जोदा बहु पर उपकारी, दल पंजन गुर सूरमा, दल पंजन गुर पंज पीर छठम पीर बैठा गुरपारी, पंज पियाले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरपारी, अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोविंद सवारी, अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोविंद सवारी, चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी, चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी, दल पंजन गुर सूरमा, दल पंजन सूरमा, बट जोदा बहु पर उपकारी, बट जोदा बहु पर उपकारी, दल पंजन गुर सूरमा, दल पंजन गुर सूरमा। सिखी अरदास कर छे महलां तक तरस निहारी, पुछन सिखी अरदास कर छे महलां तक तरस निहारी, अगम अगोचर सतगुरु बोले मुक्ते सुनो संसारी, अगम अगोचर सतगुरु बोले मुक्ते सुनो संसारी, कल युग पीड़ी सोडियां ने चल नीव उसार खलारी, कल युग पीड़ी सोडियां ने चल नीव उसार खलारी, जुग जुग सतगुर तरे अवतारी, जुग जुग सतगुर तरे अवतारी, दल पंजन गुर सूरमा, दल पंजन गुर सूरमा, बड़ जोदा बहु पर उपकारी, बड़ जोदा बहु पर उपकारी, दल पंजन गुर सूरमा,
दल पंजन गुर सूरमा, दल पंजन गुर सूरमा, दल पंजन गुर सूरमा। वाहिगुरु जी। जदों आपां छेवें पातशाह जी नूं बारों बार देखांगे ते कई इतिहासकारां ने यह लिखे महाराज शस्त्रधारी सन जंगां युद्धां दे विच, दसवें पातशाह जी ने भी इदां ही लिखिया है, पर सतगुरु जी का जीवन पढ़ के देखिए महाराज जोत अंदर गुरु नानक दी है ते गुरु नानक दी विचारधारा नूं कदे नहीं भुलदे। साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरणों में एक सिख आया है जिहदा नाम है बालू हसन, तो वह कह रहा कि महाराज सच्चे पातशाह जी मैं बड़ी थावां ते जाना, मैं हिंदू धर्म के नाल संबंध रखदा, तो तुसी मैनू दसो कि उन्हां धर्मां दे विच मुसलमान धर्म के भी हिंदू धर्म के भी कोई कहिंदे आ कर्म करो, जप तप करो, पूजा करो, हवन करो, तीर्थां दा शनान करो, दान करो, जग करो, बड़ा कुछ दस्सिया है, तो यह दसो कि कर्म करन दे नाल वो परमात्मा प्राप्त होंदा, उहदी खुशी मिलती है, किहड़ा कर्म करिए, जप करना चाहिए जां जग करना चाहिए, तीर्थां दे शनान करना चाहिए कि यात्रावां करनियां चाहीदियां हन, हवन करने चाहिए जां पूजा पाठ करने चाहिए, दसो तुसी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की जिहड़ी विचारधारा गुरु नानक की है अंदरों, हुण गुरु नानक साहब जी बोल रहे हैं, सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहने लगे सिखा कर्म कोई करो, कर्म करन दे नाल उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल ते गुरु दे नाल प्यार बढ़ता है, कर्म करो, पर कर्म करन दे विच पखंड ना होवे, दान करना है लोगों नूं दिखाण वास्ते नहीं, पाठ करना है दुनिया नूं दिखाण वास्ते नहीं, परमात्मा की खुशी प्राप्त करन वास्ते, तीर्थां दा इशनान करना है, जग करने, हवन करने, कुछ भी करो, पर एक काम जे ना कीता ना तो सारे कर्म व्यर्थ हैं। कहिंदे किहड़ा कर्म जी? महाराज कहिंदे हन सब तो उत्तम कर्म जिहड़ा है ना, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करो। जे नाम ना जपिया ना, बैठ के बंदगी नहीं कीती, वाहिगुरु 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 सिमरन ना कीता, गुरु नानक का दिता हुआ मंत्र ना जपया, उस मंत्र तो बिना वाहिगुरु गुरमंत्र है जप हो मैं कोई, कला कर्म करांगे ते हंकार आवेगा, ते नाम जपांगे नाम हंकार नूं खत्म करदा है। वाहिगुरु गुरमंत्र है जप हो मैं कोई, वाहिगुरु मंत्र जपण दे नाल होमै खत्म होंदी है, हंकार खत्म होंदा है। ते महाराज ये क्यों जरूरी तुसी कहंदे हो, वाहिगुरु मंत्र जपना क्यों जरूरी है, नाम जपना क्यों जरूरी, बाकी कर्म तो शुभ ही हैं। महाराज कहिंदे जे एक कागज़ के उपर कलम के नाल एक जीरो ला दिओ, एक जीरो सिफर बनाओ, सिफर लिखो, दो सिफर लिख दो, तीन सिफर लिख दो, चार पांच जिन्नियां मर्जी लिख लो, वो कोई कीमत नहीं बनती, जीरो जीरो है, सिफर सिफर है, जिहड़ा शून्य है वह भावें एक दी थां दस ला लिओ कोई कीमत नहीं बनती, ते उन्हां सिफरां तों अखीर ते जाके एक ला दिओ ना ते एक बनता है, एक रुपया एक गिणती एक बनती है, हिंदसा एक बनता है, ते जे उही एका मिटा करके वह सिफरां तों पहलां ला दिओ ते एक सिफर है ते दस बन जाणगे, दो सिफरां दे सौ बन जाणगे, तीन सिफरां दा हजार बन जाएगा, ते गिणती वधदी जांदी है। जे एक पहला लिखिए फिर सिफरां लगाओ, जितने मर्जी कर्म करो, पहला नाम जपो, गुरु सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठा और नाम त्यावे। महाराज ने यह नहीं कहा कि पहला भाई ब्रश करो, दातन करो, इशनान करो, फिर उठ के नितनम करो। गुरु रामदास महाराज की मर्यादा है कि उठद्या सार वाहगुरु 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 जप करके शुक्र करना, महाराज ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ,
गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठर नाम त्यावे उदम करे करे प्रभाती उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सरण आवे। हुण आपां अमृतसर नहीं जा सकते इत्थों हर रोज तां नहीं जा सकते साल दो साल बाद पांच साल बाद इहो जिहे वी सिख होणे जिन्होंने जिंदगी भर किते श्री हरिमंदर साहब दर्शन किए। अमृतसर का अर्थ है कि अमृत सरोवर गुरु की संगत च बैठ के इशनान करना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। यह भी एक सरोवर है इत्थे इशनान करन दे नाल मन की मैल लगती है। पानी पानी दे नाल तन की मैल लगती है मन की नहीं ते बाणी दे नाल मन की मैल लगती है तन विकारां तो बच जाता है। गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठर नाम त्यावे उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सरण आवे। देखो महाराज जी ने इस सारे शब्द विच सानू सिख नूं मर्यादा दसी है। सच्चे पातशाह जी कहिंदे एका पहला ला दीए फिर कोई कर्म करिए, जे एक सिमरन करके एक कर्म कीता ना ते ओ दस गुणा वधेगा। आखो सतनाम। कर्म जरूर करने आ, इह नहीं कि अमृत वेले उठ के सवेरे गुरु घर मत्था टेकिया सारा दिन निंदिया चुगली ईरखा द्वैश लोगों की बुरियाई या हेरा फेरिया वो कर्म नहीं करेगा, बचना भी है माड़े कर्मा तो। एक वाहिगुरु जी का सिमरन जप के सिमरन करके जे एक कर्म करेगा तो दस गुणा बढ़ जाएगा, दो कर्म करेगा दान करेगा फिर जप करेगा जप ते दान ये सौ गुणा हो गया। दो कर्म करन दे नाल सौ गुणा फल सानू मिल जाता है पर जे सिमरन करांगे। महाराज कहिंदे सिमरन सब तो उत्तम चीज है, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। ना हिंदू माड़ा है ना मुस्लिम माड़ा है ना सिख माड़ा है ना जैनी बोधी कोई माड़ा नहीं, पर जे हिंदू उठ करके राम राम जपदा है, मुसलमान उठ के तस्बीह दे नाल अल्लाह अल्लाह जपदा है, सिख उठ करके जपदा है सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, 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 सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। महाराज ने यह उपदेश दिता कि सब तो पहला नाम जपना सिख वास्ते जरूरी है। बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोज धरो के प्यार, बंदा है तो बंदगी कर। एक सिख होर आया महाराज दे कोल सुंदर भाई सुंदर चड्डा हिंदू सी, वह भी कहन लगा महाराज लोग तरह तरह के गुरु धारण करते, कोई कदे किसी गुरु नूं कदे किसी नूं गुरु नूं कदे किसी दे सिख कदे किसी दे सिख, तुसी दसो गुरु कैसा होना चाहिए। छेवें पातशाह जी धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कह लगे भाई सुंदर गुरु कई प्रकार के होंदे हन, गुरु एक तितली वर्गे भी होंदे हन। तितली एक ऐसे विशेष कीड़े नूं चुक करके अपने टिकाने ते लै जांदी है जिथे वह रहिंदी है, विशेष कीड़ा सारयां नूं नहीं किसी ऐसे विशेष कीड़े नूं चुक करके नाल लै जांदी है ते उस दी संगत करके तितली दी संगत करके वह कीड़े नूं खंभ निकलांदे हन, वह भी तितली बन जाती है। तितली किसे किसे नूं अपने वर्गा बना सकती है। फिर महाराज होर दसो सतगुर कहन लगे कई गुरु ऐसे होंदे हन चंदन वर्गे ते चंदन की खुशबू भी किसी किसी रुत्त विच हुंदी है किसी रुत्त विच नहीं। ऐसे गुरु किसी किसी नूं खुशी दिंदे किसी किसी नूं नहीं, उह चंदन वर्गे हुंदे हन। ते महाराज जी असीं किद्दां दे गुरु नूं धारण करिए, महाराज ने बड़ियां उदाहरणां दित्तियां। अखीर ते सतगुरु जी कहिण लगे सब तो उत्तम जे गुरु धारण करना है ते गुरु नानक नूं धारण करो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज जी उह क्यों गुरु नानक ही क्यों? गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहिण लगे मेरे पिता जी ने लिखिया कि सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन गल राखी मेरी। सब तो वड्डा मेरे वास्ते गुरु नानक है, गुरु नानक दे सदर्श गुरु नानक दे बराबर मैनू होर कोई नहीं चाहिए। महाराज गुरु नानक ही क्यों? सतगुरु कहन लगे गुरु नानक सूरज दे वांगू हन, गुरु नानक सूरज दे तरह हन। सूरज कदे कहिंदा है कि मैं खुशबूदार फुलां ते पैणा है, अपनी किरणा खुशबूदार फुलां ते सटनी है, गंदगी ते ढेरा देने मैं अपनी रोशनी पानी।
सूरज घरे कहिंदा कि मैं चानना करना है अमीरां दे घरां दे छतां दे उपर, गरीबां दे घरां ते मैं छतां दे उपर चानना नहीं देना। सूरज कदे नहीं कहिंदा, सूरज वितकरा रहत है। मेरे गुरु नानक ने इसे तरह सारी दुनिया का भ्रमण किया, सारी दुनिया के चक्कर लाया, सतनाम का चक्कर फिरा करके सारे एक सार सूरज के वांगू रोशनी दिती, सूरज के वांगू सबनों किरणा वंडिया। किरणा कहड़ियां? गुणा दियां। सूरज दुनिया के उपर आंदा किरणा दे नाल, गुरु नानक की कृपा साडे विच विचर रही है गुरु के गुणा के नाल। गुरु नानक ने सानू बड़े गुण दिते हैं, बड़िया सिक्ख्यावां दित्तियां हैं, उन्हां दे उपर चलन दे नाल ही साडा भला होवेगा। तो गुरु नानक नूं लभना कित्थे है? बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के विचों दसां पातशाहियां दे दर्शन आपां कर सकते हैं, 15 भगतां दे दर्शन कर सकते हैं, 11 पट्टां दे दर्शन कर सकते हैं, गुरसिखां दे दर्शन कर सकते हैं। आपां नूं किते जाण दी लोड़ नहीं है, सानूं लभिया लभाया गुरु सारू गुरु हक साहब ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਸਿਰਫ ਟੇਕਣਾ, ਬਾਕੀ ਮੰਨਣੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੰਤਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਸੀ ਪਕੜ ਕੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਪਕੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਰੱਸੀਆਂ ਪਕੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਕੜੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਡੋਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਪਕੜਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਟਾਸਾ ਪਕੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 12 ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਘਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸਮਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦਾਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਤੀਰਥ ਸਾਹਿਬ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੋਆ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ
श्री गुरु हर श्री गुरु नानक देव महाराज का एक शब्द रिलीज होया सी, सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चान हुआ। आओ छेवें पातशाह जी ने गुरु नानक की सिफत की है, आप भी हूँ गुरु नानक का एक शब्द पढ़ के उपरंत आनंद साहब का जाप करिए। सतगुर नानक प्रगटिया, 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 सतगुर नानक प्रगटिया। मिट्टी धुंद जग चानण होवा, मिट्टी धुंद जग चानण होवा, मिट्टी धुंद जग चानण होवा, मिट्टी धुंद जग चानण होवा। सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया। कर सूरज निकलिया, ज्यों कर सूरज निकलिया, ज्यों कर सूरज निकलिया, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोवा, तारे छपे अंधेर पलोवा, तारे छपे अंधेर पलोवा, तारे छपे अंधेर पलोवा। सिंह बुके मिर्गावली पन्नी, सिंह बुके मिर्गावली पन्नी, सिंह बुके मिर्गावली पन्नी, सिंह बुके मिर्गावली पन्नी। जाए ना तीर तरोवा, जाए ना तीर तरोवा, जाए ना तीर तरोवा, जाए ना तीर तरोवा। सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया। जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सोवा, पूजा आसन थापन सोवा, पूजा आसन थापन सोवा, पूजा आसन थापन सोवा। सिद्ध आसन सब जगत दे, सिद्ध आसन सब जगत दे, सिद्ध आसन सब जगत दे, सिद्ध आसन सब जगत। नानक आदम तेजे पोवा, नानक आदम तेजे पोवा, नानक आदम तेजे टोवा, नानक आदम तेजे टोवा। सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया। घर घर अंदर धर्मसाल, घर घर अंदर धर्मसाल, घर घर अंदर धर्मसाल, घर घर अंदर धर्मसाल। होवे कीर्तन सदा विसोवा, होवे कीर्तन सदा विसोवा, होवे कीर्तन सदा विसोवा, होवे कीर्तन सदा विसोवा। बाबे तारे चार चक, बाबे तारे चार चक, बाबे तारे चार चक, बाबे तारे चार। नौ खंड पृथ्वी सच्चा टोवा, नौ खंड पृथ्वी सच्चा टोवा, नौ खंड पृथ्वी सच्चा टोवा, नौ खंड पृथ्वी सच्चा टोवा। गुरमुख कल विच प्रगट होवा, गुरमुख कल विच प्रगट होवा, गुरमुख कल विच प्रगट होवा, गुरमुख कल विच प्रगट। सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया। मिट्टी धुंद जग चानण होवा, मिट्टी
मिट्टी धुंद जग चानन होवा, मिट्टी धुंद जग चानन होवा, मिट्टी धुंद जग चानन होवा। सतगुर नानक प्रगटिया, 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 सतगुर नानक प्रगटिया। इतनी सेवा प्रवान करनी जी, कीर्तन करदे आ, कथा करदे आ, अनेक प्रकार दी गलतियां भुलां चुका हो गई हैं, अणजाण बच्चे समझ के माफ करना सतगुरु जी ते संगतां बख्शन योग हैं जी। हुण भाई साहब जी आप जी दे नाल कुछ विचारा करनगे। वाहिगुरु, जुग जुग अटल, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र हजूरी में जुड़ मिल बैठे सत्संग जी, महाराज साहब जी बख्शो जी फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी बड़े भागा वाले जी हो, जेडे कि आप जी ने अज ये चीज समझी कि साढ़े पास नौजवान गुरसिख जथा अज आप जी नूं अमृत वेले शब्द राही निहाल करनगे। मैं समझदा हाँ कि शायद अजे पूरे तरीके दे नाल आप जी का मैसेज जिहड़ा है मेरे वीर काफ़ी सारे जिहड़े नहीं पढ़ सके, बड़े ही असीं धन्नवादी हाँ आप जी दे कि आप जी ने इतना रस भिन्ना कीर्तन जड़ा है इन्नी मिठी आवाज़ दे विच संतां नूं निहाल किया है। अते उपरंत एक चीज़ होर है कि जड़ी आप जी ने गुरु हरगोबिंद साहब जी जड़ी आप जी ने शब्द विचार जड़ी कीती है बड़ी ही रस भिन्नी, बड़ी ही बड़ा ही मज़ा आया सुन के। साढ़े पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि आप जी ने इतनी मेहनत की है, कितने पंजाब लुधियाना है, कितने आप जी ने कितने प्यार की जड़ी खिच है, जड़ी आप जी ने तांग जड़ी है वो इतने लैके आई है। भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी और इन्हों के जोड़े जत्था है इन्हों का असी कमेटी वालों दिल की गहराइया तो उन्होंने धन्यवाद करते हैं। जिथे भी आप जी की सेवा कर रहे हो गुरुद्वारा पंज तीर्थ लुधियाना विखे उतों स्पैशल तौर पर आप जी साढ़े वीर मानयोग सरदार तजिंदर सिंह जी हैड ग्रंथी उन्होंने शादी के संबंध में आप जी इतने पहुँचे हो। असं उम्मीद करते हाँ कि आप जी अगह ले भी जदों भी आप जी मुनासिब समझो साढ़े पास जरूर इतने पहुँचने की खिचल करो, क्योंकि आप जी की जो नौजवान जथियां की सू जी जरूरत है जिहड़े इतिहास के नाल भी संतान जोड़न अते कीर्तन के नाल भी जिहड़ा है वह भी आप जी नूं जोड़न की कृपालता करन, क्योंकि यह भी गुरद्वारा जिहड़ा है गुरद्वारा छठी पातशाही गुरु हरगोबिंद साहिब जी का चरण छोह प्राप्त गुरद्वारा है। तो आप जी ने अज सवेरे जिहड़ा रस भिन्ना जिहड़ा कीर्तन किया है एक बार फिर कमेटी वालों असीं आप जी के दिल की गहराइया तो धन्यवाद करते हाँ। जदों भी असीं उचित समझिया विचार करके शायद अगे प्रोग्राम से जो भी साड़ी विचार बने आप जी जरूर एक दफा इतने न्योता देने की कोशिश करेंगे। इन्हीं की बेनती प्रवान कर वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सारे प्रबंधक वीर का जिन्होंने इतना वाला माण दिता है, इतना सत्कार दिता। साड़ी हैसियत नहीं है कि असी बच्चे हाँ, अणजाण हाँ, अजे सिख रहे हैं, पर आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा माण दिता है। कदों जदों भी तुसी हुक्म लाओगे तो असी आप जी को पहुँच जावांगे, आप जी का प्यार सानू खिच के लैवे लैके आएगा, फिर दूरियां नहीं देखी जांदियां भावें जिथे मर्जी बैठे होइए। सतगुरु कृपा करन छेवें पातशाह जी फिर इस स्थान की सेवा लैणगे, छेवें पातशाह जी के चरणों में बैठ के उत्थे आपां हर रोज़ अमृत वेले सवे शाम कीर्तन करते हैं। आप जी लाइव भी देख सकते हो गुरुद्वारा पंज तीर्थ साहब पिंड दड़ोवा
फेसबुक पर पेज है, आप जी उसनू लाइक करके सवेर शाम का दसरिया के कीर्तन सुन सकते हो जी। सारे का धन्यवाद जी। आओ हुण आनंद साहब का जाप उपरंत अरदास भी शामिल होइए जी। राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु ने पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन बुझिया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दो तगाव हरी केरा मन जी कह नानक आनंद होवा सतगुरु ने पाया ए मन हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे साचे साहिबा क्या नाही करते सदा सिफ सलाह तेरी नाम मन सवे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह साचा नाम मेरा सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया सदा क्रमण कीता गुरु इटहु जिस दियां इह वडियाईया साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तितकार सुभागै पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया करम पाया दुलिन को नाम हलके लागे कह नानक तहस को वाकत करे अनहद वाजे अनंद सुनो मिट पाकियो सगल मनोरथ पूरे पार परम ब्रह्म पाया तेरे सगल पूरे दुख रोग संता पुत्रे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सरदे पूरे गुर दे जाने सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे आ भरपूरे पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत चंगियां बुरियां वाचे धर्म हदूर जनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाद जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम पहे अरदास तुमरा सुतर तारी तुम ते होए सो आगे अख तुमरी गात मित तुम्हें जानी नानक दास तुमरी गात मित तुम्हें जानी नानक दास सदा कुर्बानी सा संग जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु इको अंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पाशी दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदासा हो सहाय अर्जन अर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस दिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरी है घर नु दया वै ताए सब थाए हो सहाय दसवा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पाशां दी आत्मक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पार दर्शन दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी।
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਨ ਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੈਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤਾ ਵੈ ਚਿੱਤਾ ਵਨਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਤੇਖ ਫਤਿਹ। ਵਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪਾਂਧੇ ਸਦਾ ਸਾਹੀ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੈ ਨੀ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੀ ਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨੀ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਫ਼ਤਾ ਮਈ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸੱਜੇ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਬਦ ਚੌਕੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁੱਧ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਦਾਰ ਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਰੋਕਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ ਸਰਬਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਥਾਰਿਤ ਕਰੋ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਗਿਆ ਪਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬਹੁਚ ਹੈ ਖੋਸ਼ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬੱਚੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਤ ਅਰਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ
रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित तौज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहण गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बणतरण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत अब रखहु दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाक शिफारे कर आज पुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत वस्त्र दीन बहुसाज सुदामा अपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुरु सुप्रसन्न कलजुग होए रखहु दास पाट की लाज सुकहो टल गुर सेविया एहनस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै होवै सिफत खसम दी नूर अर सहों कुरसहों झटिया मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल पयंगम साधे पंच जना सिउ संग ना छुटकियो अधिक अहूं बुद्ध बाधे पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भयंगम साधे पंच जना सिउ संग ना छुटकियो अधिक अहूं बुद्ध बाधे प्यारे इन विद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका हार परयो स्वामी कै द्वारे दीजै बुद्ध विवेका रहाओ मोन भयो कृपाती रहियो नगन फिरियो बन माही तट तीर्थ सब धरती भ्रमियो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसियो सिर करवत तराए मन की मैल ना उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी हैवर गैवर बहु विद दान दा तारा अन वस्त्र भूम बहु अर्पे नह मिलिय हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन डंडौत खटकर्मा रत रहता हौ हौ करत बंधन मह परिया नह मिलिय एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर कर रहिया वड़ी यार जा फिर जन्मै हर सिउ संग ना गहया राज लीला राजन की रचना करिया हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक घोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर करमन कै कर्मा कहो नानक जिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एह मन राता तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन दुख भंजन
हर हर कीर्तन एह मन राता रहाओ दूजा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भयंगम साधे पंच जना सिउ संग ना छुटकियो अदक अहमबुद बादे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।